मंगल राशि वालों, अगले 3 दिनों के अंदर एक पत्र मिलेगा, जल्द देखें कहीं समय ना बीत जाए। दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है। आज हम आपको कुछ एक ऐसे इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। साथ ही दोस्तों आपके लिए पिछले वाला दिन कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए समय निकालकर एकदम सटीक भविष्यवाणी बनाते रहते हैं। तो चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें कैसे रहेगी उसके बारे में। घर पर तनाव का माहौल आपको नाराज कर सकता है, लेकिन जो तनाव है बन रहा है घर में, उसको कम कैसे किया जा सकता है इस पर नजर रखें। इसे दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में इजाफा कर सकता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाकर इससे निजात पाए। खराब हालत से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। ऑफिस में सबके साथ ढंग से व्यवहार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जॉब भी जा सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए ऑफिस के लोगों के संग, आपके उच्च अधिकारियों के संग अच्छे से पेश आए, उनसे मीठी मीठी ही बातें करते रहेगा, क्योंकि ये जमाना ही ऐसा है। अगर आप उनसे अच्छे बातें करेंगे तो ही आप ज्यादा दिन टिक पाएंगे। आपको खुश रखने के लिए आपके बच्चे जो कुछ बन पड़ेगा वह करेंगे। खुश मिजाज रहें और प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहे। तरोताजगी और मनोरंजन के लिए बढ़िया दिन है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यावसायिक लेन देन में सावधानी की जरूरत है। दोस्तों खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान भी बना सकते हैं। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है। दोस्तों वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को तरोताजा करना ना भूले। दोस्तों आपका समय सुख और समृद्धि वाला रहेगा। व्यापार में भारी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा, लेकिन मेहनत करना बेहद जरूरी है। आप जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता हासिल होगी। रुके हुए कामों में सफलता हासिल होगी। परिवार के लोगों के साथ आप किसी अच्छी जगह घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। घरेलू खर्चों में कमी आएगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, कमाई के नए नए स्रोत भी सामने आएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं धनराशि फल के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको अगले 3 दिनों के अंदर किस तरह के पत्र मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो 3 दिन आने वाले हैं उसमें आपको प्रेम पत्र मिल सकता है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का जो कि नोटिस मिल सकता है, या फिर किसी भी अपने जो कि बच्चे हैं उनके उनके बारे में जो कि शिक्षा क्षेत्र से कोई पत्र मिल सकता है। प्रेम पत्र यानी कि अगर आज तक आपने किसी के साथ जो कि प्रेम का संबंध बढ़ाया था लेकिन उनसे आप बोल नहीं पाए थे, तो उनकी तरफ से आपको प्रेम पत्र मिल सकता है। प्रेम पत्र यह मोबाइल के जरिए यानी कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी मिल सकता है या ईमेल्स के जरिए भी मिल सकता है। और कोर्ट कचहरी यानी कि आपका कोई निजी मामला चल रहा है जो कि कोर्ट में, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप अटके हुए हैं जो कि सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं, उसमें आपको किसी कोर्ट से या फिर किसी वकील से आपको नोटिस मिल सकती है। दोस्तों ऐसे जो कि ऐसे मामले रहते हैं जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, ऐसे मामलों में आप ना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको लंबे समय तक कोर्ट में खींचता रहेगा, आपका काफी वक्त जो कि खराब हो सकता है। और अपने बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े भी कोई पत्र आपको मिल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धनराशि फल के बारे में। अगर आप पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में हैं तो बहुत व्यस्त रहेंगे। आप पाएंगे कि आपके ओवरटाइम काम करने और दूसरे कारणों से भी इन दिनों खूब पैसा आ रहा है। इन पैसों का सही जगह पर निवेश कीजिएगा। दोस्तों करियर राशिफल की बात करें तो सावधान रहे, क्योंकि कोई आपसे बहुत ईर्ष्या रखता है।
सफलता अक्सर ईर्ष्या को जन्म देती है और आपके व्यावसायिक साथ ही व्यक्तिगत क्षेत्र की सफलता आसपास के बहुत से लोगों में ईर्ष्या पैदा कर रही है। उनकी ईर्ष्या का असर अपने काम पर ना पड़ने दे, क्योंकि वे लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि वे खुद ही अपने नकारात्मक विचारों से दुखी रहेंगे। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो रोमांस की दुनिया में आपके खाते में पुनः मिलन का योग बन रहा है। आप अपने पुराने पार्टनर से मिल सकते हैं। आने वाला वक्त आपको हैरत में डाल देगा। मौका जो भी मिले उसका लाभ उठाते रहिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो हो सकता है आपका पुरानी बीमारी से पीछा छूट जाए। ध्यान रहे कि आप संतुलित और पौष्टिक भोजन लें और कसरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अच्छी सेहत से आप पाएंगे कि पाचन क्रिया भी पहले से अच्छी हो गई है। अच्छा कार्य करते रहें। आखिर में बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में। आप खाली समय का आनंद ले सकते हैं। जो भी समय हर रोज आपके पास बच जाता है उसे जो कि एंजॉयमेंट के रूप में एंजॉय करें। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। लघु उद्योग जो कि घरगुती उद्योग रहते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं, यानी कि घर में जो कि साड़ी का धंधा जो घर में रहता है या फिर कोई किराना दुकान वगैरह रहता है, तो ऐसे छोटे छोटे जो भी उद्योग हैं उनसे अपने किसी करीबी से सलाह मिल सकती है और उसी के जरिए आपके आर्थिक लाभ भी बढ़ सकती है। घर पर मेहमानों का आना दिन को बढ़िया और खुशगवार बना देगा। यही मेहमान जो कि आपके जीवन की एक प्लेटफॉर्म ही बदल डाली है, यानी कि आप चल रहे थे एक रास्ते और इन्होंने आपको दूसरे रास्ते पर ले लिया है। लेकिन ये जो नया रास्ता है वो आपके लिए बेहद ही अच्छा और बहुत ही आर्थिक परिस्थिति से लेकर बहुत ही लाभदायक है। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, क्योंकि आपका प्रिय आपने लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। जब आपसे राय पूछी जाए तो संकोच ना करें, क्योंकि इसके लिए आपकी काफी तारीफ होगी। आप एक बार फिर समय में पीछे जाकर शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, शादी के शुरुआती वाले जो दिन रहते हैं वे बेहद ही खास और बेहद ही रोमांटिक रहते हैं। इसमें आपने जो जो समय बिता है, जो जो आपने प्यार में जो जो छेड़खानियाँ की हैं उसकी सभी यादें आपको आती रहेगी और वे आपको तरसाती रहेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका राशिफल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और आपके लिए पिछले वाला दिन कैसा रहा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही हर रोज राशिफल के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और हमारे चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर मिल जाएगा। अगर शादी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे बेझिझक व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।